तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। शराब, मैं तुम्हारे जैसे नालायक औलाद के लिए अपनी इज्जत, अपना नाम और सरकार की तरफ से मिला हुआ खिताब बर्बाद करना नहीं चाहता। अगर आपको अंग्रेजों की दी हुई इज्जत प्यारी तो मुझे अपना देश प्यारा है। श्याम, कान खोलकर सुन लो, एक बागी के लिए मेरे घर में कोई जगह। मेरा दिल भी किसी राय बहादुर या खान बहादुर के दरवाजे के ईंट बनने के लिए तैयार नहीं। शाम, शराबी हरकत की तो गोली मार दी जाएगी। आपने ठीक ही कहा इंस्पेक्टर, शाम एक बागी है, मुझसे इसका कोई रिश्ता नहीं। बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। मैं आज से दुनिया को ये कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। मालिक, छोटे सरकार, मुझे परेशान मत करो। इंस्पेक्टर, मुझे पति के चरण छू लेने दीजिए। पति, 3 महीने हो गए हमारी शादी को। इंस्पेक्टर, नहीं पकड़ो इसको, पकड़ो इसको। जानता है, पुलिस उगलवाना जानता है। सर, क्या है? शाम जिस मोटरसाइकिल में भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया, साइकिल बिल्कुल चूर हो गई और लाश का कोई पता नहीं चला। कानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।
जल्दी वापस आ जाना। जानती हो आज स्कूल के फंक्शन में तुम्हारे बेटे को कितने इनाम मिलने वाले हैं? पढ़ाई का इनाम, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग। माँ क्या बात है, हर 15 अगस्त के दिन तुम रोने क्यों लगती है? ये तो आजादी का दिन है। तू नहीं जानता मेरी लाल, इस आजादी को हासिल करने के लिए तेरी माँ ने क्या क्या खोया। तेरे पिता को तेरे दादा ने इसलिए घर से निकाला कि वो राय बहादुर थी और तेरे पिता को देश प्यारा था। न जाने पुलिस से भक्त भी कहाँ चले गए। माँ मेरे पिताजी आजादी के बाद वापस क्यों नहीं आए? देश का बंटवारा हुआ, हम लोग यहाँ चले आए, उनका कोई पता नहीं चला। माँ मेरे दादा का नाम क्या है? उनका नाम तो फिर कभी तेरे पिताजी ने भी नहीं लिया, वो तो यही कह के घर से निकले। बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते। बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। ये पांचवा भी, कितने इनाम जीतोगे? ठाकुर साहब ये लड़का हमारे स्कूल का सबसे होनहार लड़का है। कितने खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिनकी औलाद होनहार होती है। क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का? बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग लेते हैं। मालिक आज उस बच्चे ने ऐसी बात कर दी जो कभी तुम्हारे छोटे सरकार के मुंह से सुना था। बहुत तेज बच्चा था। हाँ आज मेरे शाम का बच्चा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। होगा भी तो न जाने कहाँ होगा, दुनिया में कितना बड़ा इनकलाब आया, देश का बंटवारा हो गया, लोग इधर से उधर चले गए, अपना सब कुछ छोड़कर हम यहां चले आए। फिर भी देश को आजादी तो मिल ही गई ना। लेकिन मुझे क्या मिला, अपनी जरा सी जिद में मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बेटा बहू। हर साल आजादी की रोशनी में मैं अपने घर का अंधेरा देखता हूं। इतनी बड़ी जायदाद होते हुए आज कोई वारिस नहीं। हाँ शिकार के लिए निकला था लेकिन आज कोई शिकार नहीं मिला। तुम्हें काम से फुर्सत हो गई? पार्वती जब से तुम हमारे यहाँ नौकरी के लिए आई हो हम तुम्हारे शिकार हो गए। जबान संभाली और मुझे जाने दीजिए। शिकार सामने हो पार्वती तो असली शिकारी उसे कभी जाने नहीं देगा। लाखों की जायदाद का अब कोई वारिस नहीं, मेरे लिए सुनहरी मौका है।
यह है रमेश, आपके घर का चिराग, छोटे सरकार की निशानी। मेरे बच्चे। दादाजी वो कहाँ है? माँ इस दुनिया में नहीं रही, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं दादाजी, कोई नहीं। मेरे बच्चे, मैं जो हूँ मुनीम जी, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मालिक, मैंने आपके घर का नमक खाया है। सोनिया स्पीकिंग। नो डियर, इस सौदे में तुम्हारा नाम लिखा बैठ रहा हूँ। आई गॉट इट बॉस। सौदा होशियारी से करना। अपनी घड़ी चेक कर लो। 12:05। सिर्फ चंद मिनट वेट करो। एजेंट ठीक 12 बजे तुम्हारे कंपार्टमेंट में आएगा। लेकिन उसकी निशानी? लाल गुलाब। कौन? लाल गुलाब। व्हाट? वक्त से 5 मिनट पहले? बाहर वक्त से 5 मिनट पहले आ गई। क्लियोपेट्रा के लिए बाहर वक्त से पहले आती है। क्लियोपेट्रा के लिए सिर्फ 5 मिनट? जो बहुत कीमती हैं और हमेशा याद रहेंगे। आप हीरे पर रखना जानते हैं। यही तो मेरा पेशा है। कब से? ऐसे तो बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, लेकिन चलती ट्रेन में आज पहली बार सौदा कर रहा हूँ। चलती का नाम गाड़ी है। वैसे भी धंधे को चलते रहना चाहिए। क्या काफिर इशारे हैं, जहरीली आंखें, क्लियोपेट्रा की अदाएं, हीरे की तरह तरशा हुआ बदन, इजिप्शियन ब्यूटी। हाजिर है। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। हीरे या क्लियोपेट्रा? दोनों ही। मैं हर खूबसूरत चीज का आशिक हूँ। कीमत? 5 लाख सिर्फ हीरों की। कौन? लाल गुलाब। एक वक्त में 2 लाल गुलाब? कौन हो तुम? लाल गुलाब। सबूत? ये रहा 5 लाख रुपया, इजिप्शियन ब्यूटी की कीमत। और तुम? टॉनी। नकली लाल गुलाब। हैंड्स अप। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने से पहले अपने खुदा को याद कर सकता हूँ? जरूर। गुलाब चंद जी, माल वाला बैग इधर दे दीजिए। मैडम, चोरी बहुत बुरी बात है, लाइए, हीरे भी इसमें रख दीजिए। प्लीज लॉक इट। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।
का हुलिया और उसके वैन के नंबर की इतला दे दो। ओके बॉस। हेलो पेट्रोल। फॉलो वैन MHR 2441। यस सर। प्रोसीड। अशोक, मामू लोग पीछा कर रहे हैं। तुम गाड़ी जरूर की तरफ लो। अशोक, रिश्तेदारों ने चारों तरफ से घेर लिया है। गाड़ी गटर पे रोको। सायरन नहीं सुनता। बैला है? अबे बैला है क्या? हाँ, पीछे का दरवाजा लॉक है इंस्पेक्टर कपूर। चलो चाबी लाओ। भाभी? भाभी कहाँ से लाऊंगा साहब? मेरे बाप ने तो मेरे को अकेले को पैदा किया है, अब मैं भाभी कहाँ से लाऊं? इडियट, मैं चाबी मांग रहा हूँ। चाबी? ए, ठीक है, चाबी ढूंढता है साहब और की। चलो साहब चाबी। हला, टेक आउट योर गन्स। ताज्जुब है, आदमी है या भूत? भूत नहीं साहब, बंदर है। शट अप। निशाना ठीक आने पे लगे। आपका नाम? सत्यवाद। श्रीमान जी, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं झूठ बोलता तो आपसे साफ साफ कह देता, आपकी आंखें खूबसूरत नहीं है, आपके बाल लंबे नहीं है, आपकी चाल मतवाली नहीं है, आप दलेर नहीं है। देखिए मिस्टर, आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं, निशाना देख चुके हैं, गोली दिल पर लगेगी। मैम साहब, हमारा दिल आपकी बोतल नहीं है, लेना है तो ऐसे ले लीजिए, कीमा बनाकर क्यों? आप बड़े बदतमीज हैं। और आप? बिल्कुल नहीं। फैंटास्टिक।
बाहर निकले, आप तो बिल्कुल डाकुओं की तरह बोलते हैं। क्या निशाना लगाते हैं। फॉलो दैट कलर, माल उसकी डिक्की में गया है। अरे आईजी पुलिस का बंगला, ये तो मेरे ससुर का भी ससुर निकला। रामू सामान मेरे बेडरूम में रख दो। ये आईजी पुलिस की बेटी का बेडरूम किसी जेल से कम नहीं होगा। तू जा, मैं जाता हूं। और आज फिर दिन दहाड़े ट्रेन को लूटा गया, लेकिन तुम लोगों से एक आदमी नहीं पकड़ा गया। ये वन मैन। सर क्या आपका ये मतलब है कि आज तक जितने वाकयात हुए सिर्फ एक आदमी ने किए? बिल्कुल एक आदमी ने किए हैं, क्योंकि सारे वाकयात एक जैसे हैं। मुजरिम काम करके भागा, नक्न कूदा और तुम लोगों की आंखों के सामने सिर्फ चक्कर हो गया। सारा का सारा पुलिस फोर्स खड़ा हुआ देखता रह गया और एक आदमी नहीं पकड़ा गया। वो आदमी तो कोई बहुत बड़ा जादूगर मालूम पड़ता है, जो दिन के उजाले में भी पुलिस के लिए अंधेरा कर जाता है। जी मैम, माइंड योर बिजनेस। आई एम सॉरी अंकल। लाइट कैसे चली गई? मैं बेस्टी को फोन करती हूँ। हेलो, मैं आईजी साहब के बंगले से बोल रही हूँ। अचानक हमारे घर की लाइट चली गई, जल्दी से किसी इलेक्ट्रिशियन को भेजिए। मेरी माँ के बाप। कौन? इलेक्ट्रीशियन हूँ बाबूजी। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैं पास वाले बंगले में काम कर रहा था, वहाँ कंपनी का फोन आया कि आपकी बत्ती बंद हो गई। गुड, जाके चेक करो। हाँ जी, मैं उन्हें चेक कर लेना जी, उन्हें चेक कर लेना जी। बाबूजी पुलिस क्यों बुलाई है? ये आई जी पुलिस का बंगला है, डोंट वेस्ट टाइम। अभी अभी जी, एक सेकंड में करता हूँ जी, मैं एक मिनट कर देना जी। हेलो बीबी जी, केड़ा स्विच ऑन करना बत्ती गई है? नीचे की तो सारी बत्तियां जल रही थी, ऊपर का मालूम नहीं। अब फिर तो ऊपर चलना पड़ेगा जी। ऊपर कितने कमरे हैं? एक मेरा अंकल का, बाकी दो गेस्ट रूम। तो पहले थोड़ा कमरा देख लेने। चलो स्विच इधर है। बीबी जी गिर गए, चोट तो नहीं लगी ज्यादा? अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या करें, हमको तो अंधेरे में देखना पड़ता है। छोड़ो, क्या कर रहे तुम? अजी मैं आपके पैर देख के बता सकता हूँ, आप बड़ी चंगी डांसर है। कमाल है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं अच्छा नाचती हूँ? अजी लोग आते हैं, पूत के पैर पल्ले में नजर आ जाते हैं। मैं आपकी आंखें देखकर कुछ और भी बता सकता हूँ। आंखें हैं या डेले? डेले जी हाँ, पंजाब में खूबसूरत आंखों को डेले आखते हैं। व्हाट? 400 वाट, 400 वाट पावर। इन आंखों का निशाना कभी चूक नहीं सकता। मतलब कि आप एक अच्छी निशानेबाज हैं। तुम जो अच्छी हो या इलेक्ट्रीशियन? और जी इलेक्ट्रीशियन है, तभी तो बता रहा हूँ कि आदमी और बिजली में कोई फर्क नहीं होता। दोनों को टच करो, दोनों करंट मारते हैं। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी हम सब में होती है, पर जी बाज लोगों में दोनों करंट होते हैं, एसी भी ते डीसी भी। क्या मतलब? और जरा एसी होता है जी, वो अपने कोड़े को खींचता है और डीसी परे को फेंकता है। तो बात बात करते हो, काम करो, ये है सिर्फ बोल। और गुस्सा ना पाओ जी, होने कर दा जी। लाओ हेलो, अब मिल गया जी। क्या मिल गया? और जो सानू चाहिए सी कुड़िए, बस एस टी दी गड़बड़ सी। सारिया तारा ढिलिया पईया, किस तरह का इलेक्ट्रीशियन रखते हो? मेरे वर्ग इलेक्ट्रीशियन रखो, हमेशा ठीक रखेगा। अभी ठीक होगा कि नहीं? हाँ जी ठीक समझो जी। हेलो जी, देखो ठीक। लाइन क्लियर है, बत्ती चल गई जी और थोड़ा कम हो गया। अच्छा जी, मैं गया जी, अगर नु कदे थोड़ी लाइट चली जाए, बत्ती बंद हो जाए, सानू ही बुलाना। साडा मैं प्यारा सिंह। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। मामला बहुत सीरियस हो गया है,
हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। काम हो गया साहब। गुड, तुम अपने बख्शीश ले जाओ। नहीं साहब, बीबी जी ने दे दी है। गुड, ठहरो। बैग दो। सर, बिल्कुल ऐसा ही बैग था। कौन सा? वही आदमी जो ट्रेन से लेकर भागा था। Keep quiet. Return the bag. अरे, तो पागल तो अपना बैग यहीं छोड़ गया। लीजिए, रखना रख लो जी। थोड़ी बात। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर, पब्लिक के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी सर। अंकल, वो सरदार जी कहाँ गया? वो तो चला गया। ये उसका बैग है। लेकिन वो तो अपना बैग लेकर गया। एक ही तरह के दो बैग। लेट मी सी। चुकनी। माँ, मेरे जीवन में तेरी ममता की रोशनी के सिवा कुछ भी नहीं। मैं आज भी इस दिए की तरह जल रहा हूं, लेकिन तुम्हारी आत्मा ये सब देखकर कितनी खुश होगी। आज तुम्हारे नाम पर कितने दिए रोशन हैं, ये सब मेरी तरह माँ बाप के प्यार के लिए तरसते रहे। इन्हें आशीर्वाद दो माँ, ये फूल सदा खिले रहे। आप तो आजादी से पहले ही आजाद हो गए। अगर आप जिंदा होते तो देखते कि साल कितनी शानदार दिवाली मनाई गई है। क्या जोरदार जुआ चला मुन्नी भाई, क्या नाची। ओए ओए, अब देखते तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे भूलकर मुन्नी भाई जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अपने बाप से ऐसी बातें कर रहा है? अरे, इसके सामने तो मुझे बोलने की हिम्मत न होती थी। आप में हिम्मत इसलिए नहीं थी दादाजी कि आप पीते नहीं थे। आप पीकर देखिए, बोलना तो क्या, आप भाषण देना शुरू कर देंगे। बोलो भाई, मुनीम जी इसे ले जाओ, मेरे सामने से ले जाओ इसे। बुढ़े में इतना जोर आ गया कि उसने मुझ पर हाथ उठाया। मुझ पर नहीं, मुझ पर हाथ उठाया। देखिए, सब्र से काम ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सारे किए किराए पर पानी पड़ जाए। अरे, तू इस घर में असली पोता बनकर आया है तो असली पोता बनकर रहना सीख। बुढ़ा चार दिन का मेहमान है, इसके बाद सारी दौलत तेरी है। सारी दौलत मेरी क्यों चाचा, आधी तो तुम्हारी हो जाएगी। नकली कोसली बनाने वाले तो तुम ही हो। नमस्ते जी। जीती रहो। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि आज दिवाली के दिन लक्ष्मी मेरे घर आई है। ठाकुर साहब, प्रिंस कहाँ है? प्रिंस? रमेश। सीमा, क्या कहते हो रमेश? दिवाली की रात है, कहीं दोस्तों में फंस गया होगा। अंकल, मैंने कहा था ना, रमेश घर पर ही नहीं मिलेगा। 30 मील गाड़ी चला कर आए और जनाब गायब है। अरे मैं ये भाव बुरा ना मानिए दादाजी, आपका एक गुण भी नहीं है रमेश में। ऐसा लगता है वो आपका पोता ही नहीं। जाना है बेटी, दरअसल मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। जब कोई सुधारने वाली आ जाएगी तो वो भी तुलसीदास और कालिदास बन जाएगा। कहाँ चला है? अपनी शकुंतला से मिलने जा रहा हूँ चाचा। दुष्यंत की औलाद इस हालत में उनके सामने गया तो रहा साहब भर भी गवा बैठेगा। मैं अपनी सीमा के लिए सब कुछ गवा सकता। क्या हुआ मुनीम जी? कुछ नहीं बेटी, बस गिर पड़ा। मुनीम जी, ये उम्र गिरने की नहीं है, जरा संभल के चला कीजिए। चलिए अंकल, और भी कई जगह जाना है। अरे हाँ। अच्छा ठाकुर साहब, इजाजत हो। नमस्ते। मुनीम जी, आज तुमने इस घर की इज्जत बचा ली। मालिक, नमक खाया है। इस घर की इज्जत बचाने के लिए
मैं गिर भी सकता हूँ और संभल भी सकता हूँ। 200, 200, 200, 400, 600, 400 Hi, baby. 400. Hi. 400. 800. I'm out. 1600. 800 blind. Show. What? Sure. कौन है तुम? धोखेबाजों का दुश्मन। किसने धोखा किया? तुमने। ये झूठ है। ये सच है। यू आर ए चीट। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? एक्सक्यूज मी, ड्रिंक्स प्लीज। इनके लिए रियल कार्ड। धोखेबाज चीट, हमसे बत्तेबाजी करते हो? शराब, ये रुपए आप नहीं ले सकते। तो मैं ले लूं? शराब। जेंटलमैन, पैसे आपस में बांट लो। ऐसे धोखेबाज के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। चलो उठो। उठो कहा, तुम ऐसे नहीं उठ सकते। मिस्टर, अपनी किस्मत पर इतना ही नाज है तो दो हाथ हमारे साथ हो जाए। जोनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम पहले ही उधार बहुत ले चुके हैं, बॉस का ऑर्डर नहीं है। सिर्फ 3000 की बात है। नो, आई एम सॉरी। 3000 क्या, 3 लाख मिल सकता है। वापस देना भी नहीं पड़ेगा। चाहिए? कैसे? मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। यहाँ के जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं, उसकी तस्वीरें खींच के मेरे हवाले करना। अशोक, तुम्हारा शक ठीक निकला। ये सिर्फ जुआखाना नहीं बल्कि देश के दुश्मनों का अड्डा भी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं। फ्लाइंग क्लब के मेंबर हो, जहां चाहो प्लेन मोड़ सकते हो। अगर किसी को शक हो गया तो? जिसके साथ आईजी पुलिस की भांजी हो उस पे कौन शक कर सकता है। करो, शायद कुछ भूले जा रहे हो। क्या मेरा? अशोक, देखा तुमने? ऐसे वाहियात लोगों को क्लब वाले मेंबर के बना लेते हैं। सारी फ्लाइट का मजा करके रखा है। जाहिल और बदतमीज लोग भी आसमान में उड़ने लगे हैं। रेडी फूल इडियट। रेडी फूल, पता नहीं ये लोग कहां से आ जाते हैं। गिन लिए? Yes, everything is okay. Best of luck. Lily, फिल्म डेवलप कर लो। Hey, बीच सड़क के गधे क्यों खड़े किए हैं? ये मामूली गधे नहीं है बाबू साहब। फॉर्मेशन।
हवलदार साहब तशरीफ लाइए। अच्छा साहब, एक्सक्यूज मी सर, ये लीजिए इन गधों को घास खिलाइए और इन्हें मेरे रास्ते से हटाइए। तोबा 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 साहब, ये पैसा तो आप अपने पास ही रहने दीजिए। आप अपना सामान इन गधों को दिखाइए और फुटास की गोली लीजिए। सामान सामान गधे देखेंगे क्या? आदमी को क्या हो गया? अजी साहब, आजकल के आदमी तो महा चोर हो गए, डाकू हो गए, लफंगे हो गए, काला धन कमाते हैं, देशद्रोही हो गए हैं। इस ब्रीफ केस में क्या है? कुछ नहीं है। इन गधों को मेरे रास्ते से हटाओ वरना। शायद आपको इन गधों का रैंक मालूम नहीं, ये एक एक गधा आपको तीन तीन महीने के लिए अंदर कर सकता है। अजीब मुसीबत है, पहले तो यहाँ कोई चेक लगा नहीं था। साहब पहले तो बांग्लादेश भी नहीं था, मैं भी नहीं था, आप भी नहीं थे, आपका बाप भी नहीं था, ये गधे भी नहीं थे, जुगनू भी नहीं था। जुगनू? जुगनू गद्दारों की तबाही का फरिश्ता। अबे गधे के बच्चे काम क्यों रहे? गोली क्या? गोली? अबे गधे के बाप, मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूँ जो जुगनू पे गोली चलाऊं। गधे हैं तो नहीं सुनते, लेकिन तुम हॉर्न क्यों नहीं सुनते? शीला, महेश, माय वाइफ, माय हस्बैंड, मेरी पारो, मेरे देवदास, नाच मेरी जान, व्हाट द फक, तुम कहाँ? महेश, तुम पुलिस से भर्ती हो गए? नहीं तो क्या तुम्हें ये म्युनिसिपैलिटी का ड्रेस लग रहा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब शीला, शेर के मुंह में जाने से तो अच्छा है सरकार के मुंह में चला जाऊं, शायद कंट्री के किसी काम आ जाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये गधे क्यों पाल रखे हैं? तुम्हारे बापू आदमी की बोली नहीं समझते हैं ना, तो मैंने सोचा शायद वो गधों की बोली समझे, इसलिए गधों की बारात लेकर तेरे बाप के पास जा रहा हूँ। क्यों रे गधे के बच्चे? बापू, देखिए आप किससे बात कर रहे हैं? सरकारी आदमी से बदतमीजी के साथ पेश आने के जुर्म में मैं आपको अंदर कर सकता हूँ, मगर मैं तुमको बाहर नहीं रहने दूंगा। पकड़ लो इसे और बंद कर दो शेर के साथ। चुप, 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 चु
मेरे को बचाओ, मेरे को छुड़ाओ। नहीं छोड़ूंगा जोकर की औलाद। छोड़ दो ना बापू, एक ही हंटे से शेर और आदमी दोनों को हमकाते हो, मर जाएगा बेचारा। मरने दो, मैं इसे 10 दिन 10 रात शेर के पिंजरे में बंद करूंगा, तभी रिंग मास्टर बनेगा। नहीं, नहीं। अरे तुम ससुर हो या जालिम सिंह? अरे हर ससुर जालिम सिंह होता है। मेरे ससुर ने मेरे साथ यही किया था, उसके ससुर ने उसके साथ यही किया था, उसके ससुर के ससुर ने क्या किया था। हमारे खानदान में हर जवाई रिंग मास्टर बना। तुम्हारे खानदान में जवाई बनना क्या गुनाह है? क्या रिंग मास्टरों की शादी में यही रिंग मिलती है? मुझे कुत्ते का रिंग मास्टर बना दो, मैं शेर का रिंग मास्टर में नहीं बनूंगा। बनेगा कैसे नहीं, तेरे बाप को भी बनना पड़ेगा। मैंने बड़े बड़े जानवरों को ठीक किया है, तू किस खेत की मूली है? लेकिन बाप पॉसिबल रमेश, तुम कहते हो कि वो दो आदमी थे, लेकिन जुगनू का रिकॉर्ड है कि उसने आज तक अकेले ही जाकर डाला है। अंकल, उसने खुद मुझे अपना नाम बताया। एक्सक्यूज मी सर। यस, ये पैकेट आपके लिए कोई आदमी छोड़ गया है। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं अंकल कि वो जुगनू ही? जुगनू? जुगनू? जुगनू को बेवक्त क्यों याद किया जा रहा है जी साहब? इसलिए कि उसका कोई वक्त नहीं। ये देखो, ये चिट्ठी उसने भेजी और ये कैमरा फिल्म के साथ है। फिल्म के साथ? ये जुगनू का फिल्म प्रोड्यूसर बन गया है? ओह नो, किसी देशद्रोही ने हमारी आर्मी इंस्टॉलेशन की फिल्म उतार कर दुश्मन को बेचने की कोशिश की। वेरी बैड, वेरी बैड। जुगनू ने बमाए फिल्म के वो कैमरा छीन कर हमारे यहाँ भेज दिया। जी बात है जी साहब, कल का डाकू आज का देशभक्त बन गया। इसमें भी कुछ चाल होगी अंकल, वो बहुत चालाक आदमी है। यू आर राइट, आजकल दुनिया में दो ही तो चालाक आदमी, वेस्ट में जेम्स बॉन्ड और ईस्ट में जुगनू। ये आपका माथा कैसे टूट गया? कल ही इनके जुगनू से मुठभेड़ हुई। जुगनू से आपके मुठभेड़ होगी? क्यों साहब, आपका कुछ माल वाल तो नहीं गया? जी, एक दोस्त का ब्रीफ केस चला गया, उसमें कुछ पैसा भी था। इसी झगड़े में मुझे मार लग गई। शुक्र कीजिए आपकी जान बच गई, आपको दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। वैसे अब आप जुगनू को पहचान तो गए हो अच्छी तरह से, मैं जिसे एक बार देख लेता हूँ उसे भूल नहीं सकता। यू आर रॉन्ग। मेरा मतलब है आपकी याददाश्त कुछ कमजोर है। अब मुझे नहीं पहचान सके तो जुगनू को कैसे पहचाने? मतलब ये कि आप मुझसे 2 बार मिल चुके हैं, वंस इन द क्लब, वंस इन द फ्लाइंग क्लब, आई मीन इन द एयर। आपके साथ अंकल। अरे वही तो है। तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। आवाज सुना। हेलो रमेश। हेलो अंकल, नेशनल डिफेंस फंड के लिए आपकी मदद चाहिए, आप अपने दोस्तों से जरा रेकमेंड कर दीजिए। नहीं सीमा, मैं नहीं। प्लीज अंकल, आप 2-4 टेलीफोन कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। सॉरी सीमा, तुम समझती क्यों नहीं, लोग कहेंगे मैं अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा हूँ। रमेश, तुम तो अंकल के दोस्तों में से नहीं हो, निकालो माल। मेरी तरफ से 3,000 लेते। गुड, क्या इस नेक काम में आप हिस्सा नहीं लेंगे मिस्टर श्योर शाह? श्योर श्योर। आपका अंदाजा कितना है? जी I mean to say your target. 2 lakhs. नाम भर लीजिएगा। 3 lakh? 3 lakh? 3 lakhs? 3 lakh? बेकार पड़ा रहने से क्या फायदा, किसी दिन जुगनू उठा कर ले जाएगा। अच्छा है ना, नेशनल डिफेंस फंड की काम आएगा। क्यों मिस्टर रमेश, आपका क्या ख्याल है? कैसा हो जाएंगे? ये शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, मिस्टर अशोक राय। जी नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ, जुगनू की बातों में मैं ये पूछना तो भूल ही गया मिस्टर अशोक कि आपने यहाँ नहीं कह सकते। जी वो
पार्वती मंदिर की एक्सटेंशन के लिए पुलिस परमिशन बाकी थी उसे। ओह आई सी, तो इसके लिए आपने जो तकलीफ की टेलीफोन कर दिया होता। बहरहाल मैं अभी इंतजाम कर रहा हूं। आपका अंदाजा कितना है? 3 लाख 3 लाख 3 लाख। मेरा पीछा ना, मैं छोड़ूंगा सोनिए। I love you. माल डाला। अब अपना अपना काम किए जाइए। तुमने ऐसे छोड़कर मेरी जान बचा ली। सत्य भगवान का दूसरा नाम है ट्रुथ इज गॉड। भैया यही कहते हैं। भैया भैया, अरे बंटी ये क्या हो गया? मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कसूर मेरा था भैया, ये तो मुझे डॉक्टर के पास भी ले गई, अपने पास से फीस भी दी, लोगों की बातें भी सुनी और मुझे यहाँ तक छोड़ने भी आई। चोट ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं। चल देखिए। चलो बंटी। क्या ये कोई स्कूल है? स्कूल ही नहीं, ये बच्चों का घर भी है। मैं चाहता हूँ जिन बच्चों की तकदीर बिगड़ गई है उनकी जिंदगी यहाँ सुधर जाए, और मेरी तमन्ना है ये अपने पैरों पर खड़े हों, दुनिया में किसी की मोहताज न रहे। क्या ये सब बच्चे अनाथ हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता, हाँ ये कह सकता हूँ जिन फूलों का चमन उजड़ गया उन्हें मैंने अपने सीने से लगा लिया। आपके विचार कितने ऊंचे हैं, समाज को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। माफ कीजिए, जो समाज किसी अनाथ को रोटी का टुकड़ा ना दे सके, किसी विधवा के आंसू ना पहुंच सके, मैं ऐसे समाज को नहीं मानता। ये मूर्ति? ये मूर्ति मेरी माँ की है, उन्हीं की याद में मैंने ये छोटी सी दुनिया बसाई है। मैंने पहले आपको सिर्फ एक दौलतमंद आदमी समझा, लेकिन आज मालूम पड़ा आप कितने महान हैं। क्या मैं उम्मीद रख सकती हूँ किसी दिन आप हमारे घर तशरीफ लाएंगे? देखिए तारीख मुकर्रर मत कीजिए, किसी भी दिन किसी हसीन मौके पर जरूर पहुंच जाऊंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सीमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपसे वादा जो किया था किसी भी हसीन मौके पर जरूर हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन आपको पता कैसे चला? आपके अंकल से, आपने तो बुलाया नहीं लेकिन हम फिर भी चले आए। शुक्रिया, असल में ये पार्टी मैं नहीं रमेश जी है। वंडरफुल, फिर तो इन्हें भी मुबारकबाद देनी चाहिए। चलो सीमा, मैं तुम्हें अपने और मेहमानों से मिलाऊं। रमेश पहले मेरे मेहमान से मिलो। आए, आपकी याददाश्त वाकई बहुत कमजोर है, आप अपना इलाज क्यों नहीं करवा रहे थे? चलिए एक बार फिर आपको मैं याद। मुझे अच्छी तरह से याद है मिस्टर अशोक, मैं आपसे पहले पुलिस स्टेशन में मिल चुका हूँ। पुलिस स्टेशन? तुम शायद इन्हें नहीं जानती। यही तो है मिस्टर अशोक। आई सी, आप ही ने तो डिफेंस फंड में 3 लाख का चेक दिया था। 3 लाख? तो बहुत बड़े अमीर आदमी होंगे। और दिल के भी, सैकड़ों अनाथ बच्चे इनके पार्वती मंदिर में जीवन संवार रहे हैं। ये एक महान पुरुष है। कमाल है, जवानी में ही महापुरुष। बहुत हैंडसम महापुरुष। I'm so happy to meet you. मिस्टर अशोक, आपने तो पार्टी की शोभा बढ़ा दी। आपकी सदा नवाजी है। चल गए क्या? चलता हुआ शोला जलाना भी जानता है। हाँ मैं तो भूल ही गई, आप क्या पियेंगे? एनीथिंग सॉफ्ट।
So, I'll get it for you. अरे 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 आपकी तकलीफ करती है. आपके मेहमान की सेवा करना तो हमारा फर्ज है. What will you have? Whiskey with soda or water? Plain Coke, please. Coke? Yeah. Okay. Ramesh, one for me also. Right. ये और सोटर के साथ है तेरा. ये क्या? जहर नहीं नशा है. अब देखना दूसरों को तमाशा बनाने वाला खुद कितनी जल्दी तमाशा बन जाएगा. लगता है बारिश होगी. ड्रिंक प्लीज. थैंक यू. लेट मी सर्व यू. माय प्लेजर. Cheers. For your happiness. मुझे मजबूर मत करो. मैं ये पार्टी छोड़कर नहीं जा सकता. तुम्हें मेरे साथ जाना ही होगा. फॉलो मी. से बोल रहा हूँ. क्या आप क्या कह रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सर्कस से बोल रहा हूँ. सर्कस से? मैं सर्कस का रिंग मास्टर हूँ. मेरा जवाई पिंजरे से निकलकर भाग गया है. भागता है तो भागने दीजिए. इसमें पुलिस क्या कर सकती है? लड़की तो नहीं भागी? नहीं नहीं, लड़की नहीं भागी. साहब मैं यहाँ हूँ. हाँ, और उसके साथ मेरा शेर भी भाग गया है. शेर? ओ जंगल के राजा, ये शहर के लोमड़े के पीछे क्यों लगा हुआ है? अपने सर्कस वापस चले जा. मेरी औरत का बाप भूखा मरेगा नहीं तो. चले जा. चल गया. लगता है देशद्रोही अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ मौजूद है. मेरा किसी सीआईडी इंस्पेक्टर के साथ कोई रिलेशन? तो फिर हमारे प्लेन के हाईजैकिंग का प्लान पुलिस को कैसे पता चला?
मैं कुछ नहीं जानती बॉस। तुम होटल स्वीट ड्रीम में रात भर उस इंस्पेक्टर के साथ रही? नहीं, ये लॉकेट तुम्हारा है तो ये होटल स्वीट ड्रीम के रूम नंबर 206 में कैसे पहुंचा? हमें धोखा देकर कोई नहीं बच सका, समझी? बॉस, यही हमारे प्यारे दोस्त मिस्टर रमेश, जिनसे आप मिलना चाहते थे। स्मार्ट गाय है, हमसे गद्दारी का नतीजा देख लिया। गद्दारी? गद्दारी मैंने नहीं की। ये चीट, इस फिल्म के तुमने हमसे 3,00,000 रुपए लिए। ये जुगनू की शरारत है। जुगनू? हाँ, जुगनू। उसने असली फिल्म पुलिस तक पहुंचा दी। What? हाँ, और उसी ने मेरे 3,00,000 रुपए लूटे। इसका मतलब यह है कि वो हमारी हर चाल से वाकिफ है, इससे पहले कि वो कोई और कदम उठाए। मैं इस जगह के हर निशान को जला दूं। इससे पहले जुगनू तुम्हारा हर निशान मिटा देगा। हम बहादुर आदमी की कद्र करते हैं। माइक, यू कैन गो। नाइस टू मीट यू। शायद हम जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं। नहीं, पहली बार नहीं, पहली बार ट्रेन में तुम्हारी क्लियोपेट्रा से सौदा कर चुका हूं। Oh, I see. और आज सौदा हमारे साथ होगा। जुगनू, हम दोनों का पेशा एक है, इसलिए नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए। बताओ तुम्हें कितना फायदा चाहिए? फायदे के लालच में जुगनू बिकता नहीं। दुनिया के किसी बाजार में जुगनू की कीमत नहीं लगाई जा सकती। कीमत बाजार में लगती है, और ये बाजार नहीं, स्टेटस चेक है। जुगनू देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। Forget it. हम तुम्हें पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। बोलो कितनी चाहिए? 10%, 20%, 30%, 50%? मैं कभी किसी की जान नहीं लेता, लेकिन अब जब भी तुम आईना देखोगे तुम्हें जुगनू की याद आएगी। गंगा, ओ गंगा, come in. गंगा, आज न जाने मेरा बदन इतना टूट क्यों रहा? चाय लाई? ठंडी हो रही है साहब। आप? जी। गंगा? गंगा तो हरिद्वार में। मैं?
आप इस वक्त मेरे घर में। ये आपका घर? मेरा घर, मेरा बिस्तर, मेरे तकिए, मैं खुद, और ये रहे आपके कपड़े। मगर मैं आपके घर आई कैसे? रात को तो मैं पार्टी में थी। आधी रात के बाद आप यहाँ तशरीफ ले आई। मगर कैसे? जबरदस्ती। जानती है कल आप मेरे से कितनी फ्री हो रही थी, मुझे जबरदस्ती आपको यहाँ लाना पड़ा। क्यों, क्या किया था मैंने? आप मुझसे लिपट रही थी, मेरी बाहों में सिमट रही थी। जानती हैं आपने कितना रोमांटिक गाना गाया कल, सचमुच मेरे दिल के तार बज उठे। आई कांट बिलीव इट। आप ठीक कह रही हैं, दरअसल आप शराब के नशे में बेहोश थी और मैं होश में था। आपकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए आपको उस हालत में आपके घर भेजने की बजाय मैं यहाँ ले आया। लेकिन मैं तो कभी पीती नहीं हूँ। किसी ने पिला दी होगी? ये जलील हरकत किसने की? आपके उस मेहरबान दोस्त ने, जिसने आपके जन्मदिन पर यह पार्टी दी थी। वो आपका दोस्त नहीं, आपकी इज्जत का दुश्मन है। मुझे तो यही डर लग रहा है कि अगर ये बात फैल गई तो आपकी कितनी बदनामी होगी। इसी डर से तो मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लेकिन रमेश, तुम तो सीमा को अपनी जिम्मेदारी पर ले गए थे। लेकिन अंकल, मुझे क्या मालूम था कि आपका वो बड़ा आदमी मेरी जिम्मेदारी खुद संभालेगा। मुझसे इतनी गलती जरूर होगी कि सीमा का जन्मदिन मनाने के लिए मैं सीमा को भाई। तुम मेरा जन्मदिन मनाने ले गए थे या बेइज्जती की रात मनाने? सीमा, तुम अंकल को भड़काने आया। दिन के उजाले में मैं तुम्हें नहीं पहचान सकती, लेकिन रात के अंधेरे में तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई। तुम इंसान कहे जाने के काबिल नहीं हो। कल तक तो मुझ पर भरोसा था, एक ही रात में इसकी बातों में आ गई, और आज अपने दोस्त को बचाने के लिए सारा इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। तुम बता सकते हो रात को तुमने धोखे से मुझे क्या पिलाया था? क्या पिलाया था कि मैं अपनी होश हवास खो बैठी थी? ये झूठ है रमेश। कोई भी लड़की झूठ बोलकर अपनी बदनामी नहीं कर सकती। ऐसी बात उसी वक्त जुबान पर आती है जब उसमें सच्चाई होती है। लेकिन अगर मैंने ऐसे कुछ नहीं पिलाया और ना कुछ पिलाने की कोशिश की है। तो फिर किसका पिलाने की कोशिश की थी तुमने? बोले क्यों नहीं, शरीफ आदमी को पिलाना चाहते थे जो तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे सर पर पहुंच गया था, जिसकी वजह से तुम कोई गलत कदम नहीं उठा सके, जिसकी वजह से आज मैं इज्जत के साथ अपने घर वापस आई। इज्जत के साथ? इज्जत का इतना ख्याल था तो उसे सीधा वापस क्यों नहीं लिया? ना जाने रात पर कौन सी रंगीन दुनिया में रखा है तुम्हें। निहायत कमीने और जलील आदमी हैं आप, मुझे भी अपने जैसा समझते हैं। मिस्टर रमेश, मैं औरत को खिलौना नहीं समझता, इसलिए उसकी इज्जत के साथ न खुद खेलता हूँ और न किसी को खेलने देता हूँ। शरीफ आदमी हार बर्दाश्त कर सकता है, इज्जत ही नहीं। हेलो रमेश, लगता है काफी जूते खा के आ रहे हो। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, ना ही आप उस दिन मुझे पार्टी से बुलवाते और ना ही वो कमीना अशोक सीमा को बहका पाते। आपकी वजह से वो लड़की मेरे हाथों से निकल गई। अब शायद मुझे आप लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। शट अप ब्लडी इंपोस्टर। हम जिस कुत्ते को हड्डी डालते हैं उसकी नस्ल भी अच्छी तरह पहचानते हैं, असली दादा के नकली पोते। हम सांप जरूर पालते हैं लेकिन उसके दांत तोड़कर। कम ऑन, हो गया दी। रमेश, अशोक रॉय के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शहर का बहुत बड़ा आदमी है। इडियट, वो क्लब में बैठा तुम्हारे साथ ताश खेल रहा था, और जब तुम खास खास जगहों की तस्वीरें ले रहे थे तो वो तुम्हारे साथ फ्लाई कर रहा था, और जब जुगनू ने वो फिल्म आईजी पुलिस को पहुंचाई तो उस वक्त भी अशोक तुम्हारे साथ था। लेकिन अशोक जुगनू का कोई एजेंट लगता है। That's it, baby. That's it. My God. Mike, come here. कल डिफेंस शो में मिस्टर अशोक राय चीफ गेस्ट होंगे और इनकी महबूबा वहां डांस करेगी। यह आखिरी शो होगा जो वो देख सकेगा। थैंक यू।
आप तशरीफ लाए, शुक्रिया। सच मानिए आप ही की वजह से आया, वरना पब्लिक फंक्शन से कोई दिलचस्पी नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आईजी साहब कहाँ हैं? सरकारी काम से दिल्ली गए हुए हैं। आइए मैं आपको इस शो के ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर चौधरी से मिलाती हूँ। प्रोफेसर साहब, आप हमारे शो के खास मेहमान अशोक राय हैं। नमस्ते। मुद्दत से आपसे मिलने की तमन्ना थी, आज मुलाकात हो गई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई प्रोफेसर साहब। थैंक यू। सीमा बेटे, वक्त बहुत कम रह गया, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए। आइए। सीमा हमेशा आपका जिक्र करती रहती है। वो कह रही थी कि बहुत से ऐसे फूल जो अपने माँ बाप के प्यार से महरूम हो चुके हैं, उन यतीम बच्चों को आपने समेट कर अपने दामन में ले लिया है। प्रोफेसर साहब, मैं यतीम उनको नहीं समझता जो माँ बाप के प्यार से महरूम हो चुके हैं। मैं यतीम उनको समझता हूँ जो दिल और अक्ल से महरूम हो चुके हैं। आप कभी तशरीफ लाइए ना। जी तो बहुत चाहता है। थैंक यू। पार्वती मंदिर? जी हाँ। बड़ा पवित्र नाम है। मेरी माँ का नाम है, उन्हीं के नाम पर मैंने ये मंदिर बनवाया है। आपके पिताजी का शुभ नाम? बाप के नाम का सहारा कमजोर लोग ले लें। एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी, ये किस अचारे ने गोली चलाई है? हॉल में कोई डॉक्टर है? आप मेरी चिंता ना कीजिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपकी जान बचाने का सौभाग्य मिला। सीमा कहाँ है? लड़की को बचाने के लिए जुगनू हमारा पीछा कर रहा है। गुड, आई कैन सी इट। आज जुगनू की मौत उसे यहाँ खींच लाई। माइक, ही इज इन योर रेंज, फिनिश हिम ऑफ। रास्ते पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दो। अच्छा मौका है तुम्हें अपना फर्ज चुकाने का। मैं कभी किसी की जान नहीं लेता, लेकिन अब जब भी तुम आईना देखोगे तुम्हें जुगनू की याद आएगी।
बच्चा चलो अंदर बैठो, अभी भागी देते the magnet. माइक, अब टनल से बाहर आ जाओ, हमारा एनिमी नंबर वन जुगनू खत्म हो चुका है। बेवकूफ, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, खोचे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जाने मन जाने जिगर काना काओ। आपने मेरी जान बचाकर मुझसे बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ तो जुगनू खान किसी पे एहसान नहीं करते, जुगनू खान तो मेहमान नवाजी करते हैं। खाना खाओ। मैं घर जाकर खाऊंगी। कुछ तुम घर किधर जाएगा, तुम तो हमारे साथ अफगानिस्तान जाएगा। क्या? हाँ, पठान का बच्चा तुमको काबुल दिखाएगा, चिलखोजा खिलाएगा, किशमिश खिलाएगा। आप चाहते क्या है? हम अपनी बुलबुल चाहता, जाने मन अपनी बुलबुल चाहता है। कुछ तुम हमारे पास तिलाले बदख्शा है, तुम्हारा गाल समरकंद का सेब है, तुम भसता है तो तुम्हारा दांत कंधार का अनार लगता है, कुछ पठान का बच्चा तुमको हाथ लगाता है तो कुछ लगता है। शर्म नहीं आते, उस दिन हमारे घर इलेक्ट्रिशियन बनकर आए थे, पता नहीं पंजाब में क्या क्या बोल रहे थे। वो तो जुगनू खान आदमी वही बोलता है। तुम्हारा जब से तुम्हारा संगे मरमर जैसा पैर देखा, चश्मे बुलबुल देखा, हम तुम पे कुर्बान हो गया, कुर्बान हो गया। मैं अपनी जान दे सकती हूँ मगर दिल नहीं दे सकती। ओ लाले की जान, हम तुमको सोना देगा, चांदी देगा, जवाहरात देगा, फिरोजा देगा, हम तुमको अपनी मलिका बनाएगा। प्यार के आगे हीरे जवाहरात की कोई कीमत नहीं, प्यार का सौदा नहीं होता। मैं किसी और की अमानत हूँ। खुद वो कौन गदा है जिसके वास्ते तुम पठान का जबरदस्त मोहब्बत को ठुकराता है? वो मेरा सब कुछ है, अशोक को मैं अपना देवता मानती हूँ। मैं उस नालायक आशिक का जीना हराम कर दूंगा, उसका सर कलम कर दूंगा, उसको गोली से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा जुल्म न करो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, अब चाहे तो तुम अपने हाथों से मुझे मार डालो, लेकिन मैं जीते जी उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, मुझे मार डालो। मत रो बुलबुल, मत रो, पठान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन औरत की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम घर जाना चाहता है? उठो, ये लो चाबी, जाओ घर जाओ, ठहरो, हम तुम्हारा आंसू जमीन पर गिरने नहीं देगा, हम इस फूल का तावीज बनाएगा और अपने गले में पहनेगा और अल्लाह को याद करेगा। शुक्रिया। जाओ। अरे आप कब से आपकी राह देख रहा हूँ, कहाँ चली गई थी? जुगनू के पास। जुगनू, वो लुटेरा डाकू? दुनिया के लिए डाकू होगा लेकिन मुझ पर तो बड़ा ही मेहरबान हो गया। लेकिन वो बदमाश जिसने कभी किसी पे दया नहीं की, आप पर क्यों मेहरबान हो गया? मेरी खूबसूरती देखकर कहने लगा, जाने मन जाने जिगर चश्मे बुलबुल, खोजे तुम हमारे वास्ते लाले बदख्शा, तुम्हारा गाल समरकंद का सेब लगता है, तुम्हारा दांत कंधार का अनार लगता है, खोजे पठान का बच्चा जब तुमका हाथ लगाता है तो कुछ लगता है। बस बस, मैं और नहीं सुन सकता। मैं भी कहां सुनना चाह रही थी, शर्म भी आ रही थी मगर अच्छा भी लग रहा था। और जाती हूँ क्या कहने लगा,
हम तुमको काबुल ले जाएगा, चिलकोजा खिलाएगा, किशमिश खिलाएगा, हम तुमको सोना देगा, चांदी देगा, फिरोजा देगा, हम तुमको अपना मलका बनाएगा। मैं उसके पैर पकड़ के रोने लगी। फिर जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, मत रो बुलबुल, मत रो, पठान औरत की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने फूल से मेरे आंसू पोंछे और फिर कहा, इस फूल का तावीज बना के मैं अपने गले में डालूंगा। फिर तो आपको उसके साथ ही चले जाना चाहिए। अरे गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्या करूं, मजबूरी थी। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? क्योंकि पहले ही किसी को दिल दे चुकी हूं ना। अगर बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूं वो खुशनसीब कौन है? तुम। सच? काहे का डर है, बाली उम्र है, छोड़ो बहाना ना। आज तुम जिंदा होती तो देखती कि हमारा बेटा कितना महान है। तुम्हारी ममता और मेरे आदर्श को लेकर उसने एक जीती जागती दुनिया बना डाली। लेकिन मैंने तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया पार्वती, कुछ नहीं दिया। पार्वती देवी पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मर चुकी हैं। मर चुकी है? जी हाँ, और उनके लड़के ने सेठ घनश्याम दास का खून भी किया है। खून किया है? जी हाँ, और उसका कोई पता नहीं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। नहीं! पार्वती, तुम्हारी ये मूर्ति किसी वक्त भी उसके खिलाफ सबूत बन सकती है, उसे उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, उसकी ये बसी बसाई दुनिया को उजाड़ सकती है। सीमा, कहाँ ले हो मुझे? सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हमारी जिंदगी का फैसला होगा। जिंदगी का फैसला? हाँ, मेरी माँ यहाँ रहती है। डर गए क्या? आओ ना, आप जरा यहाँ बैठे, मैं भी माँ को बुलाती हूँ। माँ, माँ, ये तस्वीर मेरे पिताजी की है। माँ, जी माँ, देखो तो अपने घर कौन आया है। कौन आया है? अशोक बाबू। माँ, मैंने कहा था ना, जब तक तुम उन्हें आशीर्वाद नहीं दोगी मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। अब तो जानती है तेरे फैसले पे तेरी माँ कभी इनकार नहीं करेगी। चल। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं माँ, अचानक ये क्यों चले गए? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम अचानक काशीपुर से कैसे चले आए? सीमा का ट्रंक कॉल आया था। आना पड़ा मुझे। उस रोज फंक्शन में किसी ने तुम पर गोली चलाई, तुमने उसकी भी इत्तला नहीं दी। अपनों से ये बात छुपाया करते हैं। कभी कभी अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। ये मूर्ति कैसे टूटी?
सब कुछ टूट गया है जी साहब, सब कुछ टूट गया। अरे बंटी तू तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है? फैंसी ड्रेस की रिहर्सल थी, हम लोग ने आपका बहुत इंतजार किया भैया। आई एम वेरी सॉरी। कहिए वकील साहब, आपकी वकालत कैसी चल रही है? भैया एक दो केस फंसने दो फिर बताऊंगा। वेरी गुड, लेकिन झूठा केस कभी नहीं पकड़ना जी। और डॉक्टर साहब जब आप डॉक्टर बने तो गरीबों को कभी नहीं भूलना। फिक्र न करो भैया, मैं गरीबों का इलाज फ्री करूंगा। जो मोटी मुर्गी फंसी उसे जरूर काटूंगा। गर्दन मरोड़ देना। मैं दुश्मनों के अड्डे में घुसकर ऐसी बॉम्बिंग करूंगा, ऐसी बॉम्बिंग करूंगा कि दुश्मन फिर कभी सर नहीं उठा सके। हा? और आप? मैं पुलिस कमिश्नर बनूंगा और कानून की हिफाजत करूंगा, फिर तेरी मेरी कभी नहीं जमेगी। क्यों रे, क्यों नहीं जमेगी? भैया मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा। जुगनू हो गए क्या? पहले मासूम बच्चे पर हाथ उठाए, अब अपने हाथ तोड़ रहे। इस दुनिया में सब कुछ टूटता है सीमा, दिल टूटते हैं, उम्मीदें टूटती हैं, यादगारें टूटती हैं। क्या बात है, मुझे बता तो सही। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? तुमने कल अंकल के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं की। मैं मजबूर हूँ। ऐसे भी क्या मजबूरी, तुम्हें क्या पता कल माँ के सामने मुझे तुम्हारे लिए कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो तुम्हें देखने के लिए कितनी बेकरार थी। मैं भी बेकरार था सीमा। तुम दो मिनट मेरे लिए इंतजार नहीं कर सके? वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उन्हीं दो मिनटों में मैंने महसूस किया जैसे बेकरार लहरों की तरह साथ चलते चलते हम अलग हो गए। क्यों, क्या मेरे घर पहुंचते ही मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई? मोहब्बत ही ने इम्तिहान की ऐसी मंजिल पर हमें लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हमारे रास्ते अलग हो गए। मोहब्बत इंसान की कमजोरी सही, लेकिन अब मैं इसे अपनी गलती समझता हूँ। ऐसा ना कहो, मैं तुमसे अलग होकर जी नहीं सकूंगी। इस दुनिया में ऐसा ही होता है सीमा, जो मरना नहीं चाहते उन्हें मार दिया जाता है, और जो जीना नहीं चाहते उन्हें जीना पड़ता है। लेकिन मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तुम मुझे बेमौत मारना चाहते हैं और कोई वजह भी नहीं बताते। जिस तरह जीने की कोई वजह नहीं होती, इसी तरह मरने की भी कोई वजह नहीं होती। मुझे अकेला जीने की आदत है और मैं अकेला जीना चाहता हूं। इसलिए मारा था कि मैं अपने आप को मारना चाहता था। मैं जुगनू को जानता हूं। हां बंटी, जुगनू मेरा दोस्त था, लेकिन आज मैं उसे अपना दुश्मन समझता हूं।
तुमने जुगनू के नाम की चमक देखी है, उसके जीवन का अंधेरा नहीं। पाप, डर और बदनामी के सिवा उसके जीवन में कुछ भी नहीं। आज वो अपने किए पे इतना ही पछता रहा है जितना कि मैं, जितना मैं पछता रहा हूं। भैया, बंटी, तुम अपने लिए ऐसी दुनिया बनाओ जहां कोई जुगनू ना हो, कोई जुगनू ना हो। इतनी रात गए आपने मुझे क्यों बुलाया? एक आखिरी फैसला करने के लिए। यार तुम्हारे हर फैसले रात को ही होते हैं, फैसले दिन में भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बोलिए। मैंने तय कर लिया है महेश, कि इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। क्या? और वो जो अपने सैकड़ों बच्चे हैं उनका क्या होगा? उन सब की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आज से पार्वती मंदिर की देखभाल तुम करोगे। मैं? हाँ महेश, तुमने हमेशा ही मेरी मदद की है, इस वक्त भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। पागल हो गए हो क्या? तुम क्या समझते हो, तुम्हारे बाजे में डाके मारता रहूंगा, चोरी करता रहूंगा, पुलिस के साथ में कबड्डी खेलता रहूंगा? ये काम मेरे बाप से नहीं होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैंने आखिरी प्लान बना लिया है। इस सुनहरी मछली की कीमत जानते हो? कई बार तुम्हारे ही मुंह से सुना 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया तुम्हारे और पार्वती मंदिर के लिए जिंदगी भर काफी होगा। जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या खाक काफी होगा? तुम अपनी जिद में मुझे मरवाओगे, तुम जानबूझ के अपने आप को मौत के हवाले कर रहे हो। मुझे मौत से ना डराओ महेश, मैं तय कर चुका हूं, कल रात 12 बजे मैं सोना महल जरूर जाऊंगा। जुगनू ने हमेशा मौत से खेलना सीखा है। आईजी पुलिस स्पीकिंग। आप जिस मुजरिम की तलाश बरसों से कर रहे हैं, अगर चाहें तो रंगे हाथों से गिरफ्तार कर सकते हैं। What? कल रात ठीक 12 बजे वो सोना महल से सुनहरी मछली चोरी करने वाला है। कौन है वो चोर? जुगनू। जुगनू? आप कौन बोल रही हैं? कानून की एक दोस्त। हेलो हेलो हेलो, कमाल है, सोना महल से सुनहरी मछली की चोरी। इट्स इम्पॉसिबल। इस सुनहरी मछली पे हाथ डालना अपनी मौत से खेलना है। मिस्टर मजूमदार, इस कमरे में आने के लिए इस दरवाजे के अलावा कोई और दरवाजा है? जी नहीं, और हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर इस की होल से हमेशा इस मछली पे नजर रखते हैं। और इसे छूने से चारों तरफ खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। ओह, सो इट इज बुलेट प्रूफ। और मछली के चारों तरफ इलेक्ट्रिक रेस फैली हुई। इलेक्ट्रिक रेस? जी हाँ। लेकिन दिखाई तो नहीं देती? ये खुली आंख से दिखाई नहीं देती, इससे देखिए। थैंक यू। वंडरफुल मिस्टर मजूमदार, ये इलेक्ट्रिक रेस कितने पावरफुल है देखिए। चोर अगर इससे छू भी जाए तो जलकर राख हो जाएगा। आपने मछली की हिफाजत का बहुत अच्छा इंतजाम किया है मिस्टर मजूमदार। मछली जुगनू के जाल में नहीं फंस सकती, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है अगर वो करेक्ट है तो जुगनू जरूर पुलिस के जाल में फंस जाएगा। Thank you.
Stop it! Thank you.
पुलिस। अब तुम इस तरफ, सकाराम सामने, लक्ष्मण इस तरफ जाओ। आप लोग इस वक्त? हमें जुगनू की तलाश है। जुगनू? वही मशहूर लुटेरा, वो इसी तरफ आया है इंस्पेक्टर साहब। लेकिन वो अंदर क्या कर सकता है? दरवाजा तो बंद था। आप नहीं जानते प्रोफेसर साहब, वो इतना बड़ा डाकू है कि बंद दरवाजों से भी अंदर आ सकता है। मेरी नींद खराब कर रहे हैं। वो अंदर कैसे आ सकता है जबकि दरवाजा बंद था? इसमें क्या है? इसमें किताबें। किताबें तो आपकी भाई रखी हैं। जी वो दीमक लग गई थी, साफ करके बाहर रखती है। तो फिर ये ताला क्यों लगा रखा है? ताला? अगर आप शक है तो देख लीजिए। चाबी कहां? चाबी रहने दीजिए। जुगनू इसमें कैसे घुस जाएगा? लेकिन आप इतना घबरा क्यों गए? जी, जुगनू का नाम सुनकर कोई भी घबरा जाएगा। सॉरी फॉर द ट्रबल, ड्यूटी इज ड्यूटी। दैट्स ऑल राइट, हर इंसान अपनी ड्यूटी समझता है। खून? खून? ये खून मेरा ही है। आपका? जी हाँ, ये देखिए ना, पट्टी खुल गई थी। ओ, गोली चलाते हैं और दोस्त गोली निकालते हैं। महेश, तुमने गोली निकाली है? वो मछली कहाँ है? मछली मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद अपनी जान बचाकर भाग रहा था। गोली किसने निकाली? कौन ऐसा दोस्त हो सकता है? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं तो तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, लेकिन तुम जिसे जानते हो उसे भी भूल रहे। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। इतना बता दो, सीमा से कोई भूल हुई है क्या? सीमा बुरी लड़की है? जी, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ उसको मुझसे अच्छा आदमी मिल जाए। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, मैं जानती हूँ उसने कोई गलत आदमी नहीं किया। किसी को परखने के लिए उम्र की नहीं तजुर्बे की जरूरत होती है। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम उसे नादान समझकर बेवकूफ बना रहे, खिलौना समझकर उसे खेल रहे? जो खुद किस्मत के हाथों खिलौना बन चुका हो वो किसी से क्या दिल बहलाएगा? तो फिर सीमा से मुंह क्यों मोड़ी? इसलिए कि हमारे रास्ते अलग अलग है। इतनी कठोर मत बनो सीमा, तुम्हारे प्यार को अपना जीवन समझने लगी, उसका जीवन मत छीनो। एक माँ तुमसे अपने बेटी का जीवन मांग रही, तुम्हारी भी कोई माँ हो, उसने भी तुम्हें लाड़ प्यार से पाला हो, उसके दिल में भी कई अरमान होंगे। आज ऐसा ही समझ लो, सीमा की नहीं तुम्हारी माँ तुमसे कुछ मांग रही। तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध है बेटा, मुझे मेरी बेटी का जीवन दे दो। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। क्यों? इसलिए कि जिस बेटे ने अपनी मां की इज्जत बचाने के लिए
किसी की मां का सुहाग उजाड़ दिया हो, क्या वो उसकी बेटी की मांग में सुहाग का सिंदूर भर सकता है? नहीं, ये झूठ है। ये सच है। मैंने आपके पति का खून किया है, मैंने आपके पति का खून किया है। टाइगर, आप यहां? हाँ, टाइगर यहां ले आया। टाइगर जुगनू रात को आपके घर पर था। आपकी पुलिस कल रात मेरा घर अच्छी तरह से देख चुकी। पुलिस अपने फर्ज से कभी काफिल नहीं रही। बताइए जुगनू कहाँ है? मुझे कैसे मालूम कि जुगनू कहाँ है? प्रोफेसर साहब, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन जानवर झूठ नहीं बोलते। हम गुनहगार को नहीं देख सकते लेकिन टाइगर गुनाह की वो सुन लेता है। अच्छा ये तो बताइए, जुगनू से आपको क्या वास्ता है? मेरा जुगनू से क्या वास्ता? मैं किसी जुगनू को नहीं जानता। आप जुगनू को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, लोग आपकी इज्जत करते हैं। मुल्क के न जाने कितने नौजवानों की तालीम और उनके सुधार का बोझ आपके कंधों पर है। आप जानते हैं कि मुजरिम को पनाह देना कितना बड़ा जुर्म है। आप मुझे कानून सिखाने की कोशिश न कीजिए। मैं जानता हूं गुनाह क्या है और जुर्म किसे कहते हैं। आप जुर्म को जानते हैं लेकिन मुजरिम को नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि मुजरिम को सीधी तरह हमारे हवाले कर दीजिए, वरना जिस तरह पुलिस यहां तक पहुंची है मुजरिम के पास भी पहुंच जाएगी। आप अपनी सारी हमदर्दी और कोशिशों के बावजूद भी उसको नहीं बचा सकेंगे। वो समाज के लिए बदनुमा दाग है, सोसाइटी के लिए धब्बा है, वो कानून का दुश्मन है, मौत का साया हर कदम पर उसका पीछा कर रहा है। आप ठीक कहते हैं आईजी साहब, कानून के इतने बड़े दुश्मन को पनाह देना वाकई बहुत बड़ा जुर्म। कल रात जुगनू यही था और ये है उसका सबूत। लेकिन जुगनू कहां है? समाज के लिए बदनुमा दाग, इंसानियत के नाम पर धब्बा और कानून का दुश्मन आपके सामने खड़ा है। जुगनू मेरा ही दूसरा रूप है। इल्जाम अपने साथ क्यों लिया? सर जुगनू क्यों था? मैं कह चुका मैं जुगनू हूं। नहीं प्रोफेसर साहब, आप जुगनू नहीं हो सकते। आप जुगनू नहीं हैं। तुम मानती क्यों नहीं हो? कैसे मानूं? मैं जुगनू को जानती हूं, मैं उससे मिल चुकी हूं, उसने मेरी जान भी बचाई है। नहीं सीमा, किसी ने मेरा नाम लेकर तुम्हें धोखा दिया। नहीं प्रोफेसर साहब, कोई ऐसी बात जरूर है जिसे छिपाने के लिए आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जुगनू हूं, मैं जुगनू हूं। और तुम्हें जुगनू बनाने का जिम्मेदार तुम्हारा गुनहगार बाप है। बाबूजी, बरसों की निराशा के बाद अपने चिराग की रोशनी देखी भी तो अंधेरे के रूप। तुम जैसे आदर्श बेटे को एक दिन अपना बेटा कहने से इनकार कर दिया और आज जब दुनिया तुम्हें जुगनू कहने लगी है तो मैं तुम्हें गले लगाने आया हूं। पुराने जख्म को रेड़ने से क्या फायदा बाबू जी? आपने गले लगा लिया, मुझे सब कुछ मिल गया, लेकिन मैं कितना बदनसीब हूं। अपने बेटे से यह भी नहीं कह सकता कि मैं तेरा बाप हूं। मैं भरी दुनिया में पुकार पुकार कर कह सकता हूं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम कितने कठोर हो, अपने बेटे को देखने के लिए भी तुम्हारा दिल नहीं तड़पा। बाबूजी, इसी तड़पने न जाने मुझे क्या से क्या बना दिया। जुगनू बना दिया। लेकिन जब तुम जुगनू न थे उस वक्त तुम्हें किसने रोका था? तुम अपनी कसम तोड़कर मेरे पास आ सकते थे, अपने बच्चे को देख सकते थे। तुम्हें गवाह कर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाया। अपनी गरीब बहू पार्वती की निशानी समझ कर अपने सीने से लगा रखा। रमेश,
तुम्हारी मुसीबत सुनकर तड़प उठा। रमेश? हाँ, तुम्हारा बेटा बड़े से बड़ा वकील करने के लिए सुबह ही चला गया। बाबूजी, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकता कि जिसे आप पार्वती की निशानी समझ रहे हैं न वो मेरा बेटा है और न आपका पोता। दादा तो पहले से नकली था ही, अब नकली भाग भी तरह हो गया। आई नो, तुम खानदानी नकली हो इम्पोस्टर। बॉस क्या बताऊं, ये नकली जुगनू उस बुड्ढे का असली बेटा है। कोर्ट में मामला पहुंचते ही सारा बना बना खेल भी हो जाएगा। प्रोफेसर को सजा हो या ना हो, रमेश तुम्हें फांसी जरूर। इन कमीनों को तो फांसी होनी ही चाहिए। नहीं नहीं बॉस, ऐसा ना कहो बॉस। फिकर न करो, हम रमेश के नकली बाप को अदालत तक नहीं पहुंचने देंगे। एक्सीडेंट? अरे ये तो वही लड़की है जो आधी हमें ओवरटेक करके भागी थी। सर सुतीन? यस। हैंड्स अप, उधर देखो, चलो। जल्दी बताओ, वो बहुत खतरनाक जगह है। नमक हराम भूमि। प्रोफेसर, जिसे बचाने के लिए तुमने इतना बड़ा ड्रामा किया है, तुम उसे कभी नहीं बचा सकोगे। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन कानून को धोखा नहीं। शाना! वेलकम वेलकम जुगनू, वेलकम। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे अफसोस है कि रिवॉल्वर में सिर्फ दो ही गोलियां। वो सिर्फ कमीने। तुम मेरा तो क्या, मेरे पुतले का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कैसे बोए? बुलेट प्रूफ जैकेट। योर ड्यूटी इज ओवर। जलील औरत, तुम तो सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो। इसीलिए तो मैंने कभी सांप नहीं पाले। सांप के जहर का इलाज है लेकिन कैलकुलेटर के कांटे का कोई इलाज नहीं। तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है, फिर प्रोफेसर साहब को क्यों पकड़ रखा है? प्रोफेसर, यू मीन जुगनू नंबर टू? नहीं। हाँ बॉस, इनका इशारा मेरे पूज्य पिताजी की ही तरफ है। अशोक, ऐसी बेसब्री भी क्या है? कमीने, तेरी बोटियां तो कुत्तों के लायक भी थी। प्रोफेसर, प्रोफेसर, तुम जो बदला लेना चाहते हो मुझसे लो, मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इन्हें छोड़ दो। मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ू। लेकिन प्रोफेसर साहब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम इनकी जान क्यों लेना चाहते हो? इसलिए कि तुम मेरी जिंदगी का कांटा हो और ये मेरे दोस्त रमेश की। धोखेबाज, फरेबी, कमीने। कमीने! एक मजबूर इंसान पर जुल्म करके अपनी बहादुरी का सबूत दे रहे हो। हम दोनों की जिंदगी के लिए तुम दोनों की मौत बहुत जरूरी है। क्यों रमेश? फिर भी हम तुम दोनों को आखिरी मौका देते। आपस में फैसला कर लो, तुम दोनों में से पहले कौन बनना चाहता है, तुम या पूज्य? Mm-hmm.
किया क्या आपने? मुझे बचाने के लिए मेरी जिंदगी के सारे दुख समेट लिए। मैं अपना कोई फर्ज अदा न कर सका। परसों तुम्हें मिलने की तमन्ना में तड़पता रहा। तुम्हारी गुजरी हुई जिंदगी का दाग छुपाने के लिए मुझे वो बनना पड़ा जो तुम हो। लेकिन मैंने आपकी कौन सी सेवा की है? आज तक इसी असूल पर चलता रहा कि जो लोग बाप के नाम का सहारा लेते हैं वो बुजदिल होते हैं। लेकिन आज पता चला आप जैसे महान बाप का सहारा ना पाकर मैंने जिंदगी में क्या कुछ गवाया। हमारे दो आदमी भी मारे गए हैं। मेहरबानी करके इस हादसे की आईजी साहब को इत्तला दे दीजिए। क्या हुआ माँ? खबर हो गया बेटी, तुम्हारे प्रोफेसर चौधरी को रमेश और उसके आदमी उठा कर ले गए हैं। अशोक उनके पीछे गया है। अशोक? लगता है दोनों की जान खतरे में है। अगर अशोक को कुछ हो गया तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये तुम कह रही हो माँ? जिसने मेरे पिता का खून किया, तुम्हारे पिता अपनी करतूतों का शिकार हुए। माँ? हाँ बेटी, तुम्हारे पिता के कारण अशोक ने अपनी निर्दोष माँ खोई, समाज और संसार में अपना स्थान खोया और अब अपना जीवन खो रहा है। लाल गुलाब, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 5 मिनट हैं। Cheers! All the best of luck. बॉस, ये दुश्मन को खत्म हो जाएंगे और उसके बाद तुम कहोगे कि बॉस सीमा हमेशा के लिए मेरी हो जाए। हैं? Thank you.
सेंटर। मिस्टर अशोक, तुमने अपनी जान पर खेलकर देश और कानून के दुश्मन को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की जो मदद की है, मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। नहीं आईजी साहब, देश के दुश्मन ये नहीं है, देश का दुश्मन ये है और कानून का दुश्मन मैं। तुम? मैं गीता उठाकर कहता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जज साहब, प्रोफेसर चौधरी मेरे पिताजी हैं और कानून को जिस जुगनू की तलाश है वो मैं हूं। और 5 साल बाद उस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे।